हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, नंबर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रख कर के ये वीडियो को देखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है। दूसरा, आपकी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट हो तो लीजिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। ओके, लिब्रा तुला राशि, ओम नमः शिवाय। लिब्रा के पार्टनर्स की करंट फीलिंग लिब्रास के लिए क्या है? लिब्रास के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रास के लिए क्या है? लिब्रास के पार्टनर की लिब्रास के लिए करंट, ओके, क्या बात है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके, लिब्रास, क्या बात है? जैसा कि मुझे यहाँ फील ही हो रहा था और लास्ट कार्ड भी ऐसा ही हो गया है, देखते हैं, लेट्स सी। पहले मैं दिखा देखूँ, लिब्रास, तो इस समय आपके पार्टनर का पूरा फोकस तो जो है वो बिल्कुल अपने पेंटिकल्स पर, अपने वर्क एरिया पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके लिए वो पैशनेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए पैशनेट नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ का वेट अभी चल रहा है। अभी उनकी सिचुएशन भी जो है, अगर मैं मनी वाइज देखूँ, या तो मनी इश्यूज़ उनको चल रहे हैं या कुछ ना कुछ उनको स्टेबिलिटी को लेकर के इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी अगर बात करूँ तो जैसे कि उनका दिल ना अभी बहुत दुखा हुआ है किसी ना किसी बात को लेकर के, ठीक है। तो जिस वजह से कि वो अपने इमोशनल साइड पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि आप लोगों की तरफ से भी या तो उनको किसी बात का हर्ट हुआ है, आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जिस वजह से कि वो अभी बहुत हर्ट भी हैं, उनका दिल किसी ना किसी बात को लेकर के बहुत दुखा हुआ है। मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कार्ड को, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ लिब्रास, आपके पार्टनर का, मतलब फिजिकली कह लीजिए या फिर मनी से रिलेटेड कह लीजिए कि मनी को लेकर के वो उनको थोड़ा आपके साथ अटैचमेंट्स, किस चीज़ को लेकर के है, मनी को लेकर के, या तो वो आपसे मनी लेते हैं, समथिंग कुछ है यहाँ पर, मतलब नीड्स जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कप का एक भी कार्ड नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे कि कुछ ना कुछ नीड जुड़ी हुई है, कोई ज़रूरत है उनको आपसे, दैट्स वाई वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं या आपकी तरफ आते रहना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से कोई इमोशनल मुझे उनका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से, बस अट्रैक्शन है, ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के ही है, चाहे फिजिकल नीड हो चाहे मनी रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ जैसे इच्छा होना, किसी चीज़ की नीड होना। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, यहाँ मुझे ट्रू लव वाली फीलिंग्स नहीं आ रही हैं लिब्रास, ठीक है। आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपकी फीलिंग्स देखते हैं। थैंक यू शिवाय, ओके। लिब्रास फीलिंग्स उनके बाद क्या है, स्टार, हम्म,
ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, नाइन ऑफ कप्स, वाओ, देख लेते हैं, क्या बात है, थोड़ा काम डाउन हो जाइए लिब्रास, ठीक है, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, वाओ, तो लिब्रास आप जो हैं, ओहो ओहो, बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। देखिए अभी इस वक्त अगर मैं आपकी ऊर्जा की बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी ज़्यादा फोकस अभी अपने इमोशनल साइड की तरफ नहीं देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हो अपने इमोशनल साइड पर, या पहले बहुत ज़्यादा कर चुके हो, जिस वजह से कि इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अदर एरियाज़ की तरफ, आपके वर्क एरिया हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, जो अदर एरिया आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है वो भी चीज़ें, तो आप वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और उतना वहाँ से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या आपको वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स देखने को नहीं मिल रही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा अपना दे करके, अपना समय दे करके, अपने इमोशंस को दे करके आप अदर एरियाज़ को अवॉइड कर रहे हो, यहाँ या फिर वहाँ से वो ब्लेसिंग्स को ले नहीं पा रहे हो। और अगर मैं बात करूँ तो आपके अंदर किसी, आप अभी भी ना पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट के किसी डिसीजंस पर अटके हुए हो, या पास्ट के किसी थॉट्स पर, कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी चल रहा है जो पास्ट में इश्यूज हुए थे, या अभी आप ना सिर्फ पास्ट को देख रहे हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में ब्रेक हो, आप ये भी नहीं चाहते कि कोई ब्रेकअप आए, या डिवोर्स हो, या फिर ये रिश्ता टूटे। आपकी मनोकामना यही है कि आप इस रिलेशनशिप को बने हुए रहना देखना चाहते हो, अगर ये डिज़र्विंग है तो, ठीक है ना, आपकी इच्छा यही है कि सब चीज़ें इक्वल हो जाएं, अगर आप जितना दे रहे हो सामने से आपको भी उतना मिले, समझ रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ये ओके, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, ओह, कुछ लोगों की लाइफ में तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेट चल रहा है माय डियर, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं लिब्रास, हो सकता है उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और आप लोग किसी वेट कर रहे हैं किसी डिवोर्स का, और यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से भी हो रही है। मे बी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ मे भी आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं किसी और सिचुएशन से, या किसी और पर्सन से, और वहाँ अभी उस थर्ड पार्टी के निकलने का वेट चल रहा है, जिस वजह से कि चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हैं अभी, जिस वजह से कि आपके पार्टनर भी आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो डिवाइन क्या कहते हैं, देख लेते हैं लिब्राज आपके रिलेशनशिप के लिए, थैंक यू, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप उड़ उड़ के आया है ये, क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस लग रही हैं। हाँ, अभी तो थोड़ा सा वक्त है लिब्रास, इन सब चीज़ों में अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी ना आपको अपनी हीलिंग पर, अपने सिचुएशंस पर, अपने माइंड पर, इन पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आपका डिसीज़न था ना, ये जो भी आपने डिसीज़न लिया किसी मैरिड पर्सन के साथ इंक्लूड होना, या कोई थर्ड पर्सन अगर बीच में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाइब्स बहुत आ रही हैं, तो आप लोग जैसे कि ना बहुत इस चीज़, इस डिसीज़न को लेकर के पछता रहे हो, और उस वजह से आप तो सफ़र कर रहे हो, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली भी यहाँ पे सफ़र करती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी लिब्रास आपकी तरफ से भी इमोशंस जो हैं ओपन नहीं हैं, मे बी आपके पार्टनर की तरफ से भी ना हो, तो आपकी तरफ से भी यहाँ पे इमोशंस जो हैं आप ओपन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वरिड हो अपनी सिचुएशन को लेकर के। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं इस बीच में, तो बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, या बच्चों की सिचुएशंस को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा वरिड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अंत में यहाँ पे सिचुएशन जो है मुझे
कंट्रोल में होती हुई दिख रही है, लेकिन ये सब आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा लिब्रास, ठीक है। क्योंकि सन का कार्ड है हमारे पास लास्ट में, सन का कार्ड है, यहाँ पे मनी इशू तो ज़रूर है कुछ लिब्रास, आपके पार्टनर के साथ चल रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो आप पे डिपेंडेंट हैं मनी को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन आपको उस तरफ देखना होगा, आपको भी वहाँ देखना होगा, आपको भी कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है और ये जो पास्ट है ना, पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, पास्ट से बाहर आइए लिब्रास, पास्ट की सोच से अगर आप डिसीजन को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे ये सिचुएशन, ऐसे ये रिलेशनशिप हील नहीं होने वाला, ये तो और ट्रबल में आपको डाल देगा, समझ रहे हो। चीज़ ठीक होगी, लेकिन अब ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को नेगेटिविटी में से निकाल लेते हो, नेगेटिव थॉट्स में से निकाल लेते हो, समझ रहे हो, क्योंकि ये आपकी सोच है जो मैनिफेस्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप के बीच में। ओके ये मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेट कर लेंगे, या फिर ये उन लोगों के लिए भी है जो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके एक न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी किसी की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स लिब्रास। अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, कोई भी डिसीज़न, किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़न अगर आपने लेना हो तो उससे पहले ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, ठीक है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के बेसिस पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। अबंडेंस, यस मैंने बोला आपको कि डेफिनेटली सिचुएशंस ठीक होंगी, लेकिन वो डिपेंड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे रिकवर है और पीसफुल रेजोल्यूशन है, तो सी द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन ये आपके खुद के माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक और है लेट गो, एक मैसेज और है हमारे पास, लेट गो कीजिए पास्ट को, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन चीज़ों को, मत बीच में अपने आने दीजिए रिलेशनशिप के, तभी वो चीज़ें हील होंगी। होंगी तो सही, लेकिन वो जो डिलेज चल रहा है ना, वो आपकी वजह से चल रहा है, क्योंकि आपका पास्ट है अभी जो आपने उसे हील नहीं करा है, तो उस सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है। थॉट्स हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कुछ ना कुछ है पास्ट का जिसे आपने अभी हील नहीं करा है। तो ये लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग, होप इससे आपको गाइडेंस मिली हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।